इंग्लैंड दौरे से पहले भारत के लिए एक बुरी खबर आते हुए कि इंडिया के वाइस कप्तान केएल राहुल अब पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भारत को एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन T20 मैचेस खेलने थे। जो एक टेस्ट की स्क्वाड है उसमें केएल राहुल को वाइस कप्तान बनाया गया था, लेकिन टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होने के कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि केएल राहुल वो सीरीज में नहीं जाएंगे। अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने यह बताया है कि केएल राहुल अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनकी ही जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। केएल राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए थे, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में कप्तान नियुक्त किए गए थे, लेकिन चोट के चलते ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया और वो खेल नहीं पाए और अभी भी वो रिकवर नहीं हुए हैं। केएल राहुल जर्मनी जाएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने। इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ जो पाँचवा टेस्ट है वो 1 जुलाई से खेलना है, 6 महीनों बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका एक फर्स्ट चॉइस ओपनर जो है वो डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप खेले इंजरी के बाद आकर। इंजरी से आके इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलना आसान बिल्कुल नहीं होता, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि इंग्लैंड के दौरे के बाद एशिया कप है तो हमें केएल राहुल वहाँ देखने को मिले, वहाँ थोड़े से वो मैचेस खेलें, फिर T20 वर्ल्ड कप में जाए। और इंडिया के टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस हुए इंग्लैंड के खिलाफ, केएल राहुल के अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।